हेलो बच्चों, मैं आपका प्यारा चीकू खरगोश। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ बूढ़े शेर और एक चालाक लोमड़ी की कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर ऐसी कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसकी पूरी ताकत अब खत्म हो गई थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि जंगल में जाके शिकारी कर सके। भूखे शेर की तो अब मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन गुफा में बैठकर शेर सोचने लगा कि अगर उसकी ऐसी ही हालत रही तो वो तो मर जाएगा। उसे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा ताकि बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। वो सोचने लगा कि कुछ देर में उसे एक उपाय सूझ गया। भूखे शेर ने चिड़िया की सहायता से पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने आने लगे। शेर तो इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उसे मिलने के लिए गुफा में आता, शेर उसे मार डालता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने के लिए आने लगा। अब तो शेर को गुफा में ही उसका भोजन मिलने लगा। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ रहा था। बिना मेहनत के ही उसे भरपेट भोजन मिल रहा था। कुछ ही दिनों में वो मोटा ताजा भी हो गया था। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने के लिए आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के गेट पर ही खड़ी रही। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, वनराज, आपकी कैसी तबीयत है? अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अंदर से भूखा शेर बोला, कौन हो मित्र? अंदर आ जाओ। मैं बूढ़ा बीमार शेर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी तो अब आंखें भी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मैं तो तुम्हें दूर से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझसे आखिरी बार आके मिलो। ऐसे करके शेर ने बड़ी सारी बातें की अंदर से, ताकि लोमड़ी अंदर आ जाए। शेर फिर से बोला, मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ, प्लीज अंदर आ जाओ। शेर ने बहलाकर फुसलाकर लोमड़ी को अंदर बुलाने की पूरी कोशिश की। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही लोमड़ी बोली, वनराज, मुझे तो आप माफी कर दो, मैं तो अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर आते हुए तो पैरों के निशान है, पर बाहर आते हुए किसी के भी पैरों के निशान नहीं है। मुझे इसका अर्थ पूरी तरह समझ आ रहा है। अगर सब कुछ जानते हुए भी मैं अंदर आ गई तो मैं भी उन बेचारे जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके ये पैरों के निशान है। इसलिए मैं तो जा रही हूँ, मैं अंदर नहीं आने वाली। लोमड़ी ने जाकर बूढ़े शेर की करतूत सारे जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं आने वाला था। इस तरह बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सारे जानवरों को शेर के हाथों मरने से बचा लिया। कैसी लगी आपको कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी करना है आपको। कि जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चीकू खरगोश।